अभी हमने कल ही 7 मोबाइल टीमों का गठन किया गया है कि जहाँ जहाँ कंटेनमेंट बनेंगे वहाँ पे कंटेनमेंट जोन से कोई भी आदमी आकर के यहाँ पे अपनी जांच नहीं कराएगा, हम उसके कंटेनमेंट जोन में जाकर के उसकी जांच करेंगे ताकि कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जा सके। क्यों बार बार लोग ये कहते हैं कि पुलिस के जा करके बोलते हैं कि हमें कंटेनमेंट जोन में जाइए, हमने सैंपलिंग कराने जाना है, तो वो उनसे छुट्टी मांगते हैं और कई जगह घूम के और फिर अपना सैंपल करा के जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इस समाज में वो भी मिक्स ना हो। 23 केस हैं जो अभी हमारे पास में एडमिट है, अपना इलाज करा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम लगातार उनको ऑब्जर्व करती है, मैं स्वयं भी उनको डेली बेसिस पे देखता हूँ क्योंकि मैं खुद एक फिजिशियन हूँ, MD मेडिसिन हूँ, तो इससे हमारा कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। आने वाले टाइम में तभी तो शक के आधार पे और जो हमारा आरोग्य सेतु दिखा रहा है कि आगे केस बढ़ेंगे, केस इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो लोग अनलॉक 2 का अगर पालन नहीं करेंगे तो केस बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे, नहीं बढ़ेंगे। आप अपने आप को बचा सकते हैं, बार बार कहा जा रहा है, हर एक मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है, हर एक तरीके से कहा जा रहा है, मास्क रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथ साबुन पानी से धोते रहें कम से कम 21 सेकंड, जहां जरूर तो वहां सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो इसका फॉलो तो स्वयं लोगों ने करना है। लोग जागृत होंगे तो ये वायरस आपके घर नहीं आएगा, आप स्वयं बाहर से इसको लेकर के आते हो। वायरस ने कभी सीधा कॉन्टैक्ट नहीं किया है और कम्युनिटी स्प्रेड लकीली अभी तक हमारे हिंदुस्तान में हुआ नहीं है। डीएसपी साहब, हमारे ने लोगों ने जम के काम किए, जम के आप उनको यूज करते हैं और लकीली बिल्कुल, मैंने शुरुआत में सबसे पहले पता नहीं आप मीटिंग में थे कि नहीं थे, मैंने इनको कहा पुलिस की सुरक्षा के लिए इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, हमारी सख्ती वो नहीं हो पाएगी। तब सारे आप यकीन नहीं करेंगे, 75,000 मास्क मैंने पुलिस को बांटे हैं, सैनिटाइजर कितने बांटे हैं, ये सारा सरकारी कोटे में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दिखाया। ये बात सही है। डीजी साहब कह रहे हैं मैं आज 35,000 मास्क दे दूंगा।